हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडियाज लार्जेस्ट एंड बेस्ट रेटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक HDFC में सिर्फ लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दी गई लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद आप HDFC के अकाउंट ओपनिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। आपको यहां ओपन योर अकाउंट नाउ का ऑप्शन शो हो रहा है। अब जैसे ही इसे क्लिक करेंगे, आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर इसमें फिल करना है, साथ में ही कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे आपका पैन या डेट ऑफ बर्थ एंड कोड। अब आप जैसे ही कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपको आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर एक 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड OTP रिसीव होगा। अब आपको अपना KYC डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, जैसे आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID। आप जैसे ही इसे सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे, आपको ऊपर KYC से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज दिखेगा। आप जैसे ही एग्री ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, आपने जो KYC डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया था, आपसे उसकी डिटेल ली जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे अब अपने आधार की डिटेल्स देनी है। मैंने यहाँ अपना आधार नंबर ऐड कर दिया एंड अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब आपके आधार लिंक कॉन्टेक्ट नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए एक आधार OTP ऑथेंटिकेशन कोड OTP आएगा। अब आपको इसे फिल करके आई कन्फर्म चेकबॉक्स में क्लिक करके प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप KYC कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं, जहाँ आपको अकाउंट टाइप एंड ब्रांच सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मिलेगा, जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको जल्द ही अकाउंट टाइप बेनिफिट्स प्रेजेंटेशन के जरिए मिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ये HDFC का प्रीमियम अकाउंट है, जहां आपको आपकी लोकल ब्रांच से सपोर्ट के साथ ही साथ फ्री डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, वेलकम किट रिसीव होगी। ये आपको आपके एड्रेस पे डिलीवर होती है। इसके अलावा फ्री नेट एंड मोबाइल बैंकिंग, प्री अप्रूव्ड लोन्स एंड EMI ऑफर्स और भी बहुत सी प्रीमियम सर्विसेज मिलती हैं। इसलिए आपका चूज़ किया हुआ अकाउंट टाइप जैसे SB फार्मर्स अकाउंट, DigiSave यूथ अकाउंट, रेगुलर सेविंग, सेविंग मैक्स और भी मल्टीपल अकाउंट टाइप के अनुसार आपका अकाउंट नंबर जनरेट होगा और होने के बाद आपको उसमें मिनिमम इनिशियल अमाउंट ट्रांसफ़र या डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि 2500 से 10,000 तक हो सकता है, जो आपकी सिलेक्टेड अकाउंट टाइप एंड ब्रांच पे डिपेंड करता है, जिसके बाद आपका अकाउंट एक्टिव होता है। और दोस्तों, ये आपका ही पैसा है जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, जिसे आप कभी भी निकाल सकते हैं। सो अब हमें जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ रेगुलर सेविंग अकाउंट सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ब्रांच सिलेक्ट करने का। इसमें आप अपना स्टेट, सिटी और अपनी नियर बाय ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सिलेक्शन के बाद आप प्रोसीड करेंगे, आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपको आपका अकाउंट टाइप एंड मंथली बैलेंस शो होगा। इसे प्रोसीड करते ही हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें आपको अपनी पर्सनल या ऑक्यूपेशनल डिटेल्स फिल करनी है, एज अपलोड योर फोटो, नेम, ईमेल आईडी, DOB, नेशनैलिटी, पैन एंड सो ऑन। वी विल फिल ऑक्यूपेशनल डिटेल्स एंड अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑक्यूपेशन टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगरीज चूज करनी होंगी। जैसे मैंने यहाँ सैलरीड सिलेक्ट किया है, मुझे यहाँ एम्प्लॉयर नेम, एम्प्लॉयर कैटेगरी, सैलरी एंड सो ऑन डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ही मैंने अब प्रोसीड किया, अब हमें यहाँ अपनी रेजिडेंशियल डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका एड्रेस, लैंडमार्क, स्टेट, सिटी, पिन कोड एंड सो ऑन। इसे प्रोसीड करते ही दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट नॉमिनीज डिटेल्स सिलेक्ट करनी है, जिसमें आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स की डिटेल फिल कर सकते हैं।
जैसे नॉमिनी नेम, रिलेशनशिप, DOB, एड्रेस फिल करके आप जैसे ही इसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ हमें कुछ लास्ट डिटेल्स और फिल करनी है, जैसे कंट्री, स्टेट, सिटी ऑफ बर्थ फॉर टैक्स एड्रेस स्टेटस। अब जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, अब हमें यहाँ वीडियो KYC के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पैन एंड डिटेल्स शो होंगी। अब जैसे ही अग्री एंड कंटिन्यू करेंगे, आपके पास एक SMS वीडियो KYC के लिए आएगा। नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन हियर, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स शो हो रही हैं, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, IFSC कोड, एंड यहीं पर आपको इनिशियल फंडिंग के लिए लास्ट में एड मनी इन 4 इजी स्टेप शो हो रहा है। सिलेक्टेड अकाउंट टाइप के अकॉर्डिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम मनी ऐड करने का ऑप्शन होगा। जैसे ही सिलेक्ट करके एड मनी नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए पेज ओपन होगा, जिसमें आप डायरेक्ट भी बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या कोई भी नेट बैंकिंग UPI सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ हमने अपने बैंक अकाउंट में इनिशियल फंडिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है, और अब हमें अपना अकाउंट, ऑपरेशंस और बेनिफिट्स के लिए अपनी वीडियो KYC कंप्लीट करनी होगी। तो चलिए देखते हैं कि अब हम वीडियो KYC कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि वीडियो KYC के लिए आपको डायरेक्टली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू लिंक रिसीव हुआ होगा। सो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेज ओपन होगा। अब आप जैसे ही इसमें प्रोसीड करेंगे, आपको एक 6-डिजिट OTP रिसीव होगा, और अब आपको वीडियो KYC के लिए रिक्वायर प्रोसेस डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट डिटेल्स जैसे कि पैन शो होगा। आप उसे प्रोसीड करते हुए जब I am ready पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट स्टार्ट वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक HDFC रिप्रेजेंटेटिव आपकी वीडियो KYC प्रोसेस कंप्लीट कराने के लिए वीडियो कॉल पर आपके साथ होगा, जिसमें वो आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स पूछेगा, एज लाइक योर नेम, फैमिली डिटेल्स, एरिया, स्टेट, सिटी, आपका पैन कार्ड, सिग्नेचर एंड आपने जो डिटेल्स फिल की हैं उसका वेरिफिकेशन करेगा। सो नाउ हियर वी आर डन विद अवर KYC। सो जैसे कि आपने देखा कि बस कुछ इजी स्टेप में हमने इंडिया के बेस्ट रैंक बैंक में अपना अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर लिया है। सो अब आपको ऑनलाइन नेट बैंकिंग और साथ में ही अदर्स बैंकिंग बेनिफिट्स आपके घर बैठे ही मिल जाएंगे। सो आई होप दोस्तों कि आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।